मुरादाबाद में कुंदरकी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर इस समय मैं नगला हाशा में हूं। यहां बात करें तो एससी वोटरों की संख्या अधिक है। सीधा मेरे साथ बात करने के लिए इस गांव के एससी वोटर हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर मतदान करेंगे। लगातार चुनाव की घोषणा हो गई है, प्रत्याशी मैदान में आ गए हैं, चंद्रशेखर आजाद, दूसरी तरफ मायावती, तो किस तरह जा रहा है मतदाता? बीजेपी के हिसाब से, बीजेपी किस मुद्दे हैं, क्या स्थानीय समस्याएं हैं जिनका निस्तारण करना है? यहाँ पे जो हमारा गांव में जो सही है, काम चल रहा है, जैसा भी है, रामदेव की सोच ज्यादा है। जी, उपचुनाव होने हैं, किन मुद्दों पर मतदान करेंगे दोबारा? जो अच्छा काम करेगा और जो हमारे बारे में सोचेगा, युवाओं के बारे में सोचेगा, तभी तो हम मतदान करेंगे। जो हमारे बारे में नहीं सोच सकता, तो हम 1% उनके बारे में भी नहीं सोचते। वो जब भी माहौल में देखते हैं, इस तरीके के माहौल में जब उपचुनाव आते हैं या कोई चुनाव आता है, तो वो अपने अपने आप को गांव में प्रमोशन करने के लिए आते हैं। उसके बाद कोई भी प्रत्याशी हो, जीतने के बाद कोई भी प्रत्याशी गांव के बारे में नहीं सोचता, युवाओं के बारे में नहीं सोचता। अगर इस बार हमने तो एससी वोट के बारे में सोचे हैं, तो हमारे 400+ एससी वोट है। अगर मत क्यों भी चाहेगा, गांव के बारे में सोचेगा, तो अब उसको अधिक से अधिक वोट की संख्या, भारी संख्याओं में जाएगा वोट। अगर चंद्रशेखर की बात करें, वो बहुत अच्छे लीडर हैं, एक युवा लीडर हैं, उनके बारे में ज़्यादा लोग हमारे ज़्यादा सोच अच्छी रखते हैं अधिक। जी, हमारे गांव में सब मजदूरी है, हमारे गांव के बारे में जो सोचेगा उसके लिए कामयाबी मिल जाएगी, बढ़िया से बढ़िया। लगातार मायावती और चंद्रशेखर आजाद के वोट पे दावा करते हैं, तो क्या मुद्दों पे आप लोग इस बार वोट देने जा रहे हैं? मुद्दों की बात करें, हर बार मायावती को जिताया है, 4 बार वो लगातार प्रत्याशी रह चुकी हैं, एक अच्छी आयरन लेडी हैं, मगर इस बार एक बार मौका चंद्रशेखर को भी देना चाहिए। इस बारे में एक बार इस बारे में जरूर सोच रहे हैं युवा लोग। जी, किन मुद्दों पर मतदान करेंगे, बात करें चंद्रशेखर आजाद की और मायावती की, लगातार आपके वोटों पर दावा करते हैं दोनों? अरे हम क्या विकास के बारे करें, विकास करेगा उसके लिए हम मतदान करेंगे, जो भी करेंगे। सबसे बड़ा विकास है, जो आगे लिए अच्छा करेगा उसी के लिए करेंगे। बसपा सुप्रीमो की बात करें, लगातार उन्होंने कहा है कि विकास करेगा, विकास तो हाँ देखिए यही है, बस अच्छी बात है। जरूर चंद्रशेखर आजाद सदन में कई मुद्दे उठा रहे हैं, एससी वोटर्स के भी मुद्दे उठा रहे हैं। भैया हम तो पढ़े हुए नहीं आए, नाकवा पढ़ना आता, हम तो मौज चलाना आता, सही है ना। स्थानीय क्या समस्या? स्थानीय यही है, लौंडे घूम रहे हैं, भैया घूम रहे हैं, ऐसी पेपर लीक हो जाता है इनका, वो लीक हो जाता है, वो यही बात आ रही, लौट फिर के पेपर देने जाते हैं, पैसे लगता है पेपर देने में भी, बात यही है सबसे। कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो आपकी समस्या को? पैसा चोरी फोरी नहीं हो रही है सरकार में, सरकार भी सही है, ये सरकार गलत नहीं है, चोरी नहीं हो रही है सरकार में, सरकार बढ़िया है। जी, युवा की अगर बात करें, युवा हैं तो किन मुद्दों पर इस बार मतदान करेंगे? शिक्षा को लेकर अभी आपने बात की थी। शिक्षा को लेकर अगर बात करें, शिक्षा आज एक प्रकार का धंधा बन गया, लोग शिक्षा को एक प्रकार से इस तरह के नहीं सोच रहे, सरकार भी हमारे बारे में नहीं सोचती है कि एजुकेशन में युवा आगे बढ़ें, युवा अगर आगे बढ़ेंगे तभी तो देश की तरक्की होगी हमारी। आज बात करें, युवा इस भ्रम में है कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छी एजुकेशन आएगी, मगर आज युवा भटक रहे हैं, एमटेक बीटेक, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा। पढ़ने के बारे में बात करें, लोग रात दिन लाइब्रेरी वगैरह पढ़ रहे हैं, अगर उनको टाइम से नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। बात करें, युवा भटक रहे हैं, आपने भी देखा होगा फील्ड में, कोई भी युवा इतनी मेहनत करने के बाद अगर अपने कामयाब या सक्सेस ना पा सके तो वो इधर उधर भटकते ही रहता, तो वो सारा दोष किसे जाता? सरकार को ही जाता है। यह युवा के बारे में सोचेगी सरकार, तभी तो देश की तरक्की होगी। जी, मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर एससी वोटरों से जानकारी की गई है, जिनके द्वारा अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद।